शुरुआत बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। जो इस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, बड़ी खबर, आज की बैठक के बाद गतिरोध खत्म करने पर सहमति। दरअसल करनाल लाठीचार्ज की न्यायिक जांच होगी, ये बड़ी खबर। आपको बता दें, लाठीचार्ज के खिलाफ धरने पर आंदोलनकारी बैठे थे, तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ न्यायिक जांच कराई जाएगी, यह आश्वासन दिया गया है। जांच के दौरान छुट्टी पर रहेंगे तत्कालीन एसडीएम। रिटायर्ड जज से अब इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। एक महीने में इस लाठीचार्ज की जांच को पूरा करना होगा और पीड़ित परिवार को एक हफ्ते में नौकरी मिलेगी। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, आज की बैठक के बाद गतिरोध खत्म होगा, करनाल लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की जाएगी। लाठीचार्ज के खिलाफ दरअसल आंदोलनकारी धरने पर बैठे थे, तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ न्यायिक जांच की बात कही गई है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, और जांच के दौरान जो ये जांच का पीरियड होगा, एसडीएम छुट्टी पर रहेंगे, बड़ा अपडेट आपको दे दे, एक महीने में लाठीचार्ज की जांच पूरी होगी। इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करेगी, करवाएगी, और यह जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव एक माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे, और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के दो परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो ये मोटे तौर पे हमारा समझौता हुआ है और इस पर दोनों पक्षों की पूर्ण रूप से सहमति है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये समझौता हुआ है, ये मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूँ। हमने अपने वकीलों से राय की और जो हमारी फैसिलिटी बनी है वो ये बनी है कि अगर प्रशासन एफआईआर दर्ज करता है तो बाद में उसके रद्द करने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। कल किस अधिकारी ने आना है, किस पुलिस अधिकारी ने आना है, कल वो आठ उसमें क्या करता है, और उसके पास एक पावर होती है हाई कोर्ट में जाने की क्वेश्चन के लिए कि मैं, मेरी को निजी दुश्मनी थोड़ा ही थी, मैं तो सरकार से वैसे मैंने ऑर्डर दे दिया, बचने के ज्यादा चांसेस में हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है, तो उसके ना तो उसके कंसीडर के चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने उसमें सहमति बनाई थी कि हाई कोर्ट के जज से ज्यादा बेहतर रहे, तो उन्होंने मान ली है। और उसका जो है जो भी रिटायर जज को सरकार देगी। तो बड़ी खबर इस बीच यही आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, जांच के दौरान जो एसडीएम है वो छुट्टी पर रहेंगे, रिटायर्ड जज से अब इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाएगी, एक महीने का टाइम पीरियड होगा और एक महीने के अंदर जांच को पूरा करना होगा, और जबकि पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। तो प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनी है, करनाल लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की जाएगी। की मीटिंग अब आज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, वो तो कुंडली बॉर्डर पे करेंगे, उसको यहाँ की जरूरत नहीं। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। देखिए, सबसे बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, नौकरियाँ हमने दो मांग ली हैं, नौकरियाँ हम पहले एक मांग रहे थे वो लेकिन कल हमने दो मांग लिया, दो नौकरियाँ देने, एक हफ्ते के अंदर अंदर दो नौकरियाँ देने की। देखो, जब तक फाइनल नहीं ना होता तब तक मांगे बदलती रहती हैं, थोड़ा बगड़ा चेंज हर चेंज हो जाता है, लेकिन जो अब जो फैसला हुआ है हम उसमें अड़ेल हैं और हम उसमें सहमत हैं। आंदोलन आज यहाँ से हट जाएगा? हाँ जी, हाँ, आंदोलन यहाँ से खत्म हो जाएगा, सारा आंदोलन सिंघू बॉर्डर पे चला जाएगा। हाँ, ये जो ये लोग बैठे हैं सारे के सारे सिंघू बॉर्डर पे जाएंगे, और जब तक काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, हम वो आंदोलन हमारा कंटिन्यू रहेगा, वो वैसे के वैसे चलेगा। तो प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बन गई है। आपको बता दें, इस पूरे मामले की अब न्यायिक जांच की जाएगी। हमारे साथ कमल जीत जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। कमल, क्या कुछ अपडेट है, सहमति बनी है, किन किन बिंदुओं पर बातचीत हुई, किन किन बिंदुओं पर प्रशासन और इन आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनी है, मैं चाहूंगा विस्तार से आप बताएं।
खत्म हो गया प्रशासन और किसानों के बीच में सहमति बन गया। सबसे बड़ी बात है कि एक रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जो भी इसमें दोषी है चाहे वो पुलिस वाला है चाहे आईएएस ऑफिसर है चाहे दूसरे लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके पास सबसे बड़ी बात है कि जो काजल के परिवार को दो नौकरियां दी जाएंगी डीसी रेट पर नौकरियां दी जाएंगी आने वाले जब पोस्ट होगी उसको कहीं ना कहीं दिया जाएगा। और आगे ये देखने वाली बात तो ये होगी कि पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो घायल हो चुके हैं मुआवजा दिया जाएगा। पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो किसानों का आज का जो धरना था यहाँ से समाप्त हो चुका है। किसान अब अपने घरों को जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद देखने को मिला कि किसान यहाँ से किस तरह से जाएंगे क्योंकि काफी खबर जी तो हम आपको सुन पा रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करिएगा। चलिए 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 हम लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बन गई है, ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। और अब ये करनाल के अंदर जो धरना पिछले 3 दिनों से चल रहा था वो अब खत्म किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर करनाल से प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनी है। वो तमाम मांगे जो करनाल प्रशासन से इन तमाम आंदोलनकारियों की थी उन मांगों को मान लिया गया है। ये साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे प्रकरण पर पूरा प्रकरण यानी कि समझिए आप करनाल लाठीचार्ज जिसके बाद लगातार आंदोलनकारी सवाल उठा रहे थे इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी। कमरजीत आप अपनी बात पूरी करिएगा फिर हम अगला सवाल आपसे लेंगे। कमरजीत देखिए बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि इस परिवार को दो नौकरियां दी जाएगी मुआवजा दिया जाएगा उसके साथ साथ घायल को भी इस पूरे मामले को लेकर मुआवजा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन जो किसानों का आंदोलन पिछले 5 दिन से यहाँ पर चल रहा था वो खत्म हो गया। करनाल के उन्होंने जो नेता है वो किसानों के बीच में गए और किसानों को सारी जो मामले थे उसके बारे में ब्रीफ कर दिया उसको उनको बता दिया गया। तो मतलब पुरानी घटना अभी जैसे नीतिम कांड हुआ था भजन लाल के टाइम में बंसी लाल के सुडाला के टाइम पे हुआ था इन सभी चीजों का उनको ब्रीफ किया कि उस दौरान क्या हुआ और कैसे हुआ क्यों हुआ। लेकिन आज का जो आंदोलन हुआ है इसमें कहीं ना कहीं किसान खुश जरूर नजर आए। उनका यही कहना है कि आज हमारी जीत है आने वाले टाइम में जो भी दोषी होगा इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले दिनों जगह बात की जाए तो गृह मंत्री अनिल विज ने जो बयान दिया था कि FIR दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से की जाए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे। उस दौरान जो SDM है IAS ऑफिसर आयुष सिन्हा वो छुट्टी पर रहेंगे और 1 महीने का बाउंड टाइम किया गया उसी दौरान ये जांच होगी। और देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जो किसानों का आंदोलन है वो दिल्ली और डिग्री बॉर्डर पर जहाँ दूसरे तमाम बॉर्डरों पर चलता रहेगा बस्ताड़ा आज यहाँ से किसान अपने आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पिछला 9 महीने से आंदोलन चल रहा है वो वहां पर चले जाएंगे। इसके साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक राहत की खबर करनाल प्रशासन के लिए जरूर रही है। जी कंवर जी तो सूबे के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी के कहने पर किसी को हम सूली पर नहीं चढ़ा देंगे इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी। यह बयान 2 दिन पहले आया। 3 दिन बाद आज प्रशासन के बीच और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनी है। आपको नहीं लगता है थोड़ा सा लेट जरूर है? देखिए अगर बात करें तो लगातार किसानों का दबाव बढ़ता जा रहा है। किसानों की आज जो मीटिंग थी उसका दबाव समझा जा सकता है कि आज 35 संगठनों की यहाँ मीटिंग थी और लगातार किसानों को जब पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ से जुटते जा रहे थे पहले दिन से कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी जांच ना करने की लेकर FIR दर्ज करने को लेकर इसके साथ अगर बात करें तो किसानों का साफ तौर पर कहना है सारे नेतों का कहना था हमारा 5 वकीलों का पैनल है उन्होंने ये पूरा फैसला किया है कि हम ऐसे ही मामला दर्ज करवाएंगे। अगर FIR दर्ज होती है सस्पेंशन होती है आने वाले दिनों में यहाँ लोकल लेवल का अधिकारी जांच करेगा और उसको कहीं ना कहीं निर्दोष साबित कर देगा। इसके साथ साथ एक चीज जरूर हुई है इस पूरे लाठीचार्ज के दौरान जो भी दोषी है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी ये निश्चित है। तो इससे सारी वीडियो है ऑडियो है और तमाम ऐसे सच्चे हैं जो इस कमेटी के जो रिटायर्ड जज बनाए गए हैं कमेटी बना चुकी उनको जांच के लिए दिए गए हैं। लेकिन टाइम जरूर लगेगा किसानों का कहना का
इसी वजह से वो क्वेश्चन नहीं करा सकते थे, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। कहीं ना कहीं प्रशासन पर एक बहुत बड़ा दबाव था उस बड़े दबाव की वजह से और ये बात जरूर बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर दोनों ही तरफ से एक अच्छी चहल जरूर सामने आई है। कमर जी, तो वाकई दबाव जरूर था और उसी दबाव के चलते यह सहमति बनी है कि बस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होगी। कमर जी, तो मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं कि ताजा तस्वीरें क्या कुछ हैं सचिवालय के बाहर की, क्या किसान वहां से जाने लगे हैं जो लगातार पिछले 3 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। देखिए अगर बात करें तो किसानों के बाहर बारिश के बाद भी बड़े बड़े लंगर लगे हुए हैं, हर तरह के लंगर यहाँ पर मौजूद हैं। उन लंगरों को कहीं ना कहीं जब लंगर की पूरी तरह समाप्ति होगी, जो भी किसी तरह की वस्तु बनी हुई लंगर की, चाहे वो जलेबी है चाहे दूसरे तमाम है, जो खत्म होंगे सभी लोग यहाँ पर सही खा के निकलेंगे, इतना जरूर है प्रशासन की तरफ से और किसानों की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। कोई भी यहाँ से वो जब वेट खोल दिए जाएंगे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, किसान अपने घरों को जाएंगे और उसके साथ साथ जो लंगर है लंगर हाल फिलहाल चलते रहेंगे जब तक वो लंगरों की जो वस्तुएं अलग अलग भोजन जो बने हुए हैं वो जरूर रहेंगे। किसानों ने भोजन इसलिए बनाए थे कि वे बड़ी पंचायत थी, बड़ी मीटिंग थी जिसमें पंजाब उत्तर प्रदेश से काफी लोगों के आने की उम्मीद थी, इसी वजह से जब तक ये लंगर हैं वो रहेंगे, लंगर खाते खाते जैसे साफ होंगे वो भी चले जाएंगे और टेंट उतार दिए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रात की खबर साफ जरूर है करनाल प्रशासन के लिए, करनाल के लोगों के लिए। तो कई दिनों से यहाँ पर रास्ता बंद था, एक बड़ी रात की खबर जरूर सामने आ रही होगी। चले कमर जी, तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप इस खबर पर एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बन गई है, आपको बता दें अब यह आंदोलन जो करनाल सचिवालय के बाहर चल रहा था वो खत्म होगा। इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करेगी, करवाएगी और यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी और पूर्व SDM श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार DC रेट पर सेंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो ये मोटे तौर पे हमारा समझौता हुआ है और इस पर दोनों पक्षों की पूर्ण रूप से सहमति है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये समझौता हुआ है, ये मैं आपके सामने आज बताना चाहता। हमने अपने वकीलों से राय की थी और जो हमारी फैसिलिटी बनी है वो ये बनी है कि अगर प्रशासन FIR दर्ज करता है तो बाद में उसके रद्द करने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। कल किस अधिकारी ने आना है, किस पुलिस अधिकारी ने आना है, कल वो आकर उसमें क्या करता है और उसके पास एक पावर होती है हाईकोर्ट में जाने की क्वेश्चन के लिए कि मेरी कोई निजी दुश्मनी थोड़ा ही थी, मैं तो सरकारी ड्यूटी में था, ड्यूटी के दौरान जैसे हालात थे वैसे मैंने औरतें दिया, बचने के ज़्यादा चांस में हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है तो उसके ना तो उसके तस्करे के चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने उसमें सहमति बनाई थी कि हाई कोर्ट के जज से ज़्यादा बेहतर रहे, तो उन्होंने मान ली है और उसका जो है जो भी रिटायर्ड जज को सरकार देगी। मोर्चे की मीटिंग अब आज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, वो तो कुंडली बॉर्डर पे करेंगे, उसके यहाँ की जरूरत नहीं। धन्यवाद सर। ठीक है सर, थैंक। देखिए सबसे किया गया है, नौकरियाँ हमने 2 मांग ली हैं, नौकरियाँ हम पहले 1 मांग रहे थे वो लेकिन कल हमने 2 मांग लिया, 2 नौकरियाँ देने, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 नौकरियाँ देने की। देखो जब तक फाइनल नहीं ना होता तब तक मांगे बदलती रहती हैं, थोड़ा बगड़ा चेंज हर चेंज हो जाता है, लेकिन जो अब जो फैसला हुआ है हम उसमें अड़ेल हैं और हम उसमें सहमत हैं। आंदोलन आज यहाँ से हट जाएगा? हाँ जी, हाँ आंदोलन यहाँ से खत्म हो जाएगा, सारा आंदोलन सिंघु बॉर्डर पे चला जाएगा। हाँ ये जो ये लोग बैठे हैं सारे के सारे सिंघु बॉर्डर पे जाएंगे और जब तक काले कानून वापस नहीं होते, MSP की गारंटी नहीं मिलती, हम वो आंदोलन हमारा कंटिन्यू रहेगा, वो वैसे के वैसे चलेगा। तो करनाल के अंदर जो प्रदर्शन चल रहा था वो अब खत्म हो गया है क्योंकि प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बन गई है।